हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह का भी जो हमारा सेशन था जिसमें हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत अच्छा आपका उसमें रिस्पांस था। ऐसा ही रिस्पांस हमें आपसे चाहिए होता है हमारे लेक्चर्स में, ताकि हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिले और ऐसी वीडियोस आप तक लेके आने के लिए। जितना आप हमें लाइक करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है कि वो हमारी पूरी टीम को किस तरह से एनकरेज करता है, ताकि आपको बेटर सर्विसेज जो हैं हम प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरीके से आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपना बेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि 4 जून को होने वाले एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यूनिट प्राइस इलास्टिक। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व जो है किस पे जाके टच करेगा, ये आपको यहां पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा, ये सबको ऑडिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके, आवाज में आपको दिक्कत आ रही है, अभी इसको सेटल करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इज इट ऑडिबल नाउ गुंजन? क्या अब ऑडिबिलिटी क्लियर है आपकी? देख लीजिए इसको, ऑडिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी भी स्टूडेंट को। हाँ जी बताइए, ऑडिबिलिटी सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है, देखिए आपको यूनिट प्राइस एक इकाई मूल्य लोचदार मांग वर्क स्पर्श करेगा, वो आपको बताना है किस तरह से होता है। तो ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, देखिए ये आपका यहाँ पे प्राइस दिया गया होता है। ठीक है, इस तरह से आपका प्राइस होता है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी होती है, ये आपकी क्वांटिटी होती है, यहाँ पे आपका प्राइजिंग गिवन होता है। तो ये मान लीजिए कुछ भी है, 1, 2 जो भी आप ले लीजिए, इस तरह से प्राइजिंग होती है। तो अगर कोई भी परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वो ग्राफ किस तरह से जाएगा? परफेक्टली, ये देखो, एक तो ग्राफ आपका स्ट्रेट हो गया, एक आपका थोड़ा सा इस तरह से मान लीजिए जाए। ओके, ये आपका ग्राफ इस तरह से ये टच करे। ओके, तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक वाला हो जाएगा। यहां से देखिए, ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया कर्व, यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। ओके, उसके बाद है यूनिट इलास्टिक, ये है आपका यूनिट इलास्टिक प्राइस, इसके नीचे है यूनिट रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक है ये, और जो नीचे वाला है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इस तरह से ये ग्राफ है आपका, आपको बताना है यूनिट प्राइस पे कब होगा, जब प्राइस एक्सिस और नॉर क्वांटिटी एक्सिस दोनों ही एक्सिस पे वो नहीं आए, तो बिल्कुल ये डॉट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपका आएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट विच इम्प्लाइज, आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है, वो आपको बताना है इसमें से किस, थर्ड वर्ल्ड पावर चूजिंग इट्स ओन पॉलिसीज, ये आपको बताना है कि किसके तहत ये करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूट्रैलिटी टुवर्ड्स पावर ब्लॉक्स। जो न्यूट्रैलिटी है मतलब शक्तियों की ओर, दो वर्ल्ड मेजर पावर्स हैं, ना यूएसएसआर ना यूएसए, दोनों के प्रति ही किसी भी तरह का कोई झुकाव ना होना ही एक जो है ये न्यूट्रल रहने का है, नॉन अलाइंड मोमेंट जिसे हम कहते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसको देखिए। नितिन, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे आंसर्स देख के। इफ दिस सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन द प्राइस इलास्टिसिटी
ऑफ सप्लाई विल बी, ये आपको बताना है कि अगर सप्लाई कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होती हुई, तो उसमें आपको बताना है कि किस तरीके से जो है आपका ये मूव करेगा। स्ट्रेट कर्व है तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह से वो ओरिजिन से पास होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा, सप्लाई कर्व की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉ देखो, लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, तो कैसे होगा, जो अभी हम कर्व की बात कर रहे थे जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो वो यूनिटी के बराबर होगा। सप्लाई कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड के लिए, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में था वो यूनिटी पे था, बराबर रहेगा, तो वही चीज इसमें आएगी, वो एकदम बराबर रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू यूनिटी, सी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जीरो पे क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। जीरो से वन सारे पॉइंट्स आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पहला है जीरो, कहां से कहां तक, परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। अगला है बिटवीन जीरो टू वन, ओके, बिटवीन जीरो टू वन, ये जो है ये है इन इलास्टिक, ये है इन इलास्टिक। तीसरा है वन, ये कितना है, यूनिटी, यूनिटी इलास्टिक, इन इलास्टिक कौन सा है, इलास्टिक कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोबारा से लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो पीछे छुप रहे हैं, इनको देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना देती हूँ दोबारा से। पहला है आपका ये इलास्टिसिटी है, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है उसका क्वांटिटी पे किस तरह का असर है। तो ये कैसे होगा, पहला इलास्टिसिटी जीरो, देन जीरो टू वन, तीसरा है वन, चौथा है ग्रेटर देन वन, फिर है इनफाइनाइट, इस तरह से पांच है। तो डिस्क्रिप्शन ये हो गया परफेक्टली आपका इन इलास्टिक, अगला है आपका इन इलास्टिक, फिर है यूनिटरी, फिर है इलास्टिक, देन है परफेक्टली इलास्टिक। तो इस तरह से आपकी कमोडिटीज होती हैं। क्वांटिटीज किस तरह से वेरी करेगी, क्वांटिटीज जो है एक से बढ़ाई, दो से बढ़ाई, या किस तरह से बनाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट की जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी जो है वो रेंट अक्योर्स टू, रेंट की जो किराए की में वृद्धि होती है वो किस हिसाब से होती है, तो वो किसी भी फैक्टर के कारण हो सकती है। देखो जो लैंड मॉडर्न थ्योरी है इसमें जो रिवॉर्ड है लैंड का वो कितना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा, कैसे कैसे केसेस आए, रिकार्डियन थ्योरी कैसे रही, कैसे किस रिस्पेक्ट में लेबर कैसी लगी, कैपिटल कैसी रही, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह की है, तो सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह की मॉडर्न थ्योरी रेंट पे कहाँ पे लागू हुई। तो कोई भी ये फैक्टर आ सकता है, कैपिटल, लेबर और लैंड, तीनों ही फैक्टर्स जो हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। द बुक विच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज रिटन बाय, ये जो बुक है इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अध्ययन के केंद्र में जो पुस्तक है वो लिखी किसके द्वारा गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपको चार प्रोफेसर के नाम यहाँ पे गिवन है, तो इसका आंसर है बी, प्रोफेसर जे एम केनिस, प्रोफेसर जे एम केनिस जो हैं इन्होंने जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के बारे में एक फाउंडेशन बताई गई थी, ओके। उसके बाद इसमें प्रशांत, थैंक यू सो वेरी मच, अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है आप और स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और किस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है इकोनॉमी में, वो सारी बातें इंडिविजुअल मार्केट की बजाय पूरी एज अ होल मार्केट को जब कंसिडर करते हैं उस हिसाब से इसमें डील की जाती है। तो ये दी थी जे एम केनिस ने। द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है
वो हमें बतानी है। व्यापक अर्थशास्त्र के अध्ययन में मूलभूत समस्या क्या है, और इसकी स्टडी में हमें बताना है कौन सी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो वो है प्रोडक्शन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन ऑफ इनकम जो है, आय का उत्पादन, ये जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी आती है। डीलिंग कैसी रही, नेशनल इनकम, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी ही चीज़ें इसमें रहेंगी। तो इसमें जो मैक्सिमाइजिंग नेशनल इनकम ग्रोथ होगी वो एक इशू हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ इनकम जो है इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स में आएगा। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, हमें अब इसमें बताना है कितने सब्जेक्ट्स शामिल हैं यूनियन लिस्ट की श्रेणी में। तो उसमें आपको बताना है इसमें कितने दिए हुए हैं, तो 97 गिवन है यूनियन लिस्ट, या फिर इसको बोलते हैं लिस्ट वन, लिस्ट वन इसको बोलते हैं, जिसमें 100 आइटम्स बताई गई हैं। हालांकि यहाँ नंबर 97 दिया गया है, इसमें से पार्ट जो आपका 11 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पूरा लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, और आर्टिकल 246 जो है वो 7th शेड्यूल से आपका रिलेटेड है। 7th शेड्यूल जो है ये 7th से ये रिलेटेड है, ओके, 7th शेड्यूल से ये रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर, ये है आपका फ्रेंच गवर्नर ऑफ पॉन्डिचेरी, हु ट्राई टू मेक द फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल कंपनी। कौन से फ्रेंच के गवर्नर थे पॉन्डिचेरी के, जिन्होंने फ्रेंच को बहुत ही पावरफुल बनाने की बहुत कोशिश की गई थी, तो ये आपको बताना है कि कौन है वो। तो ये है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, तो इसका आंसर है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। इन्होंने बहुत, ये फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर रहे हैं पॉन्डिचेरी के, जिन्होंने काफी प्रयास किए उसको एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे स्थापित करने के लिए। ओके, ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बहुत प्रयास किए, और 12 अक्टूबर को 1754 में इन्होंने इसको कंप्लीट फिर करवा दिया। ठीक है, सो ये है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, इसमें से सबसे पावरफुल पेशवा का आपको नाम बताना है, तो उसका नाम है बाजीराव। बाजीराव जो है वो सबसे 9 पेशवाज में सबसे पावरफुल थे। इन्होंने काफ़ी सेंट्रल इंडिया का पार्ट जो है वो कॉन्क्वायर कर रखा था, मालवा, राजपुताना, इसके अलावा गुजरात का पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, डेक्कन का पार्ट साउथ में, तो इस तरह से इनका एक बहुत अच्छा पावरफुल किंगडम था। इन्होंने मुगल दिल्ली को भी 1738 में इन्होंने रेडिड किया था, यानी वहाँ पे इन्होंने हमला किया था। उसके अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है, ये आपको बताना है कौन सा इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके तहत जो डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल साइड है, सोशलिस्ट साइड, उसको डील किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है, दो विभिन्न पार्ट होते हुए कैसे साथ में चलते हैं, तो इसका आंसर है डी। ओके, राहुल, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है एक बार बता दीजिए, वो आपको दोबारा से क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन कर देते हैं। टू पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन, टू पार्टी सिस्टम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बी में, यूएसए, यानी जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे सिस्टम है, दो मेजर पार्टीज हैं वहाँ की, जिसमें एक जो इलेक्ट होती है, जैसे अभी ट्रंप के इलेक्शन में आपने देखा ही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, चीफ जस्टिस आपको सुप्रीम कोर्ट का नाम बताना है, तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ हैं वो हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो हैं चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है आर्टिकल 124 के तहत। इसमें बताया गया है किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए की जाती है, तो ये अपॉइंटमेंट जो होती है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है।
वॉट आर दी फोल्ड्स फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एम्प्टी स्टमक। जब स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें आपको बताना है किस तरह का म्यूकस जो है वो पाया जाता है, तो वो है रुगई। रुगई जो है ये वहाँ पे पाया जाता है। जो विलाई होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये रिंकल्स जो होते हैं ये आपके गैस्ट्रिक फोल्ड्स इनको बोलते हैं। ये वहाँ गैस्ट्रिक फोल्ड्स, ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स भी इनको बोलते हैं। ये स्टमक लाइनिंग में पाया जाता है। जब स्टमक को ग्रिप करना है, उसको छोड़ना है, फूड की जो मूवमेंट करनी है वो इसी के रुगई के सहारे ही की जाती है। इनर लेयर की तरह ये होता है। फर्स्ट मैसूर वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली इन 1767 एंड 69 एडी केम टू एंड बाय दी। आपको बताना है फर्स्ट मैसूर वॉर जो है इस सदी में जब ये एडी में जब एंड हुआ तो वो आपको बताना है कौन सी ट्रीटी इसमें साइन हुई थी। तो इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है उसको साइन किया गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है इसमें साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या है, पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था 1769 एडी में मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ताकि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो खत्म हो सके। और ये जो ट्रीटी है इसके बाद हैदर अली, इसमें क्लॉज था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हैदर अली के आस पास के नेबर्स में भी अटैक नहीं करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेंड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास एन एक्ट इन 1773 एडी नोन एज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया। वो हमें बताना है कौन सा एक्ट पास हुआ था। ये लक्ष्मीकांत की बुक में भी मेंशन है, आप इसको पॉलिटी की एनसीईआरटीज में 11 12th की बुक्स में भी ये बहुत अच्छे से गिवन है। ठीक है, ओके। 15th क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा। 15th क्वेश्चन में आपको पूछा है जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया और इसमें एक अधिनियम पारित किया वो किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। क्लियर। तो ये आपको बताना है कौन सा एक्ट इसमें पास हुआ। तो ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसमें पास किया गया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है मैनेजमेंट वो इसमें आया था रेगुलेटिंग एक्ट में। एक्ट में क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो वॉरेन हेस्टिंग है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी वो उसके अंदर बंगाल के कंट्रोल में आ गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ। शेर शाह ने किस बैटल में हुमायूं को डिफीट किया था और गौर की लड़ाई पे कब्जा किया था, तो ये आपको बताना है किसमें। तो बैटल ऑफ ये है चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो है आपका 26 जून को लड़ा गया था 1539 एडी में। ये मुगल्स और जो मुगल एम्परर थे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। जो मुगल आर्मी थी बहुत बुरी तरीके से इसमें हार गई थी। हुमायूं खुद भी इससे जो इनके जो काफी आदमी थे वो भी भाग गए थे इस समय में। Identify the most infertile amongst the given soils. आपको यहाँ पे soils दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा infertile यानी अनुपजाऊ कौन सी है, तो वो है laterite soil. Laterite soil जो होती है काफ़ी infertile होती है। ये बहुत ही leaching के process से बनती है और इसमें crop production जो होती है, फसल उगाई जो जाती है वो बहुत ना के बराबर होती है। फॉर दी ऑड आइटम, इसमें से आपको ऑड आइटम बतानी है कि कौन सी है, शेल मार्बल लाइम स्टोन सैंड स्टोन। तो इसमें से जो शेल सैंड स्टोन है और लाइम है, शेल लाइम स्टोन और ये सैंड स्टोन, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के ये एग्जाम्पल हैं। लेकिन मार्बल जो है यहाँ पे गिवन, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसका मतलब बी जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर। Which of the following reasons is responsible for lack of vegetation in deserts? ये आपको बताना है इसमें से कौन सा reason responsible है deserts में vegetation कम होने के लिए, या फिर वनस्पति जो है deserts में क्यों कम होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्यों कम होती है, देखिए क्या वहाँ पे sand का volume ज़्यादा होता है,
क्या वहां पे बी हॉरिजन इन दी सॉइल वो कम होती है, ना के बराबर होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, या लैक ऑफ रेनफॉल? तो क्या रीजन होता है? डी, बारिश की कमी से वहां पे जो उपजाऊ है वो बंजर जमीन होती है, प्रेसिपिटेशन ना हो पाने से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वहां पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सबसे मेन कारण है, वहां पे जो वेजिटेशन है वो सबसे कम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? खादर एंड जोनल सॉइल। ये जोनल जो सॉइल है आपकी, खादर, ठीक है ये, और देखो पोजल जो है वो जोनल सॉइल से मैच है, चेस्टनस जो है जोनल सॉइल में, और बांगर जो है आपका ये एजिनोय सॉइल इसमें दिया गया है। आपको बताना है जो खादर एंड भांगर होता है ये जो होते हैं ये एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एलुवियल आना है, ओके, इस सॉइल में ये पाए जाते हैं। और जो एजिवाइस सॉइल है, एजोनाइस सॉइल जो है, ये एक प्रोफाइल है सॉइल की जिसमें पता चलता है किस तरह के लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं या वेजिटेशन उस जगह की किस हिसाब से दी गई है। तो ये एजोनाइन सॉइल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो खादर है ये भी इसी एजोनाइन सॉइल में ही पाई जाती है, जोनल में नहीं पाई जाती। तो ए जो है नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर्स में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ सिरोको स्टॉर्म। सिरोको जो तूफान है उसकी सही दिशा का चयन आपको करना है। तो ये है सहारा से मेडिटेरेनियन सी की तरफ, यानी ये ऊपर की तरफ ब्लो करता है। वार्म ड्राई ट्रॉपिकल हवा होती है ये, जो कि अरेबियन और सहारा डेजर्ट से ऊपर की तरफ जाती है नॉर्थवर्ड, इसका लो प्रेशर की वजह से मूवमेंट होता है मेडिटेरेनियन के ऊपर। तो इसकी आपको डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फॉर्म में दी जा सकती है कि बताइए ये ईस्ट में होता है वेस्ट में होता है, तो उस हिसाब से इसको आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर इज ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक फैक्टर? अबायोटिक फैक्टर जिसमें, बायोटिक फैक्टर्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अबायोटिक जिसमें जो अजैव होते हैं, वो आपको बताना है। इंसेक्ट्स और रोडेंट्स अबायोटिक नहीं हो सकते, ये तो लिविंग बींग्स हैं। माइट्स ये जो होते हैं ये भी आपके उसमें नहीं आते अबायोटिक में। तो कौन सा बचा? बी, मॉइस्चर, जो हवा में नमी है वो एक नॉन लिविंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल पार्ट है एनवायरनमेंट का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप सीधी तरीके से इसको ऐसे स्वैट से भी याद कर सकते हैं। स्वैट्स क्या होता है? सॉइल, देन वाटर, देन एयर, टेम्परेचर, देन सनलाइट, ये आपके अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये आपके टोटल अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। लीव्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, अगर आप उसको हाथ लगाएं तो वो इकट्ठा हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे पौधे होते हैं जो ऐसे इकट्ठे होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये क्यों होता है? डी, दे हैव स्पेशलाइज्ड बुली फॉर्म सेल्स। उनके पास बुली परपत्र कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये बुली फॉर्म सेल्स क्या होते हैं? बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स ये होते हैं। ये क्या होते हैं? अपर सरफेस, पत्ते का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे ये मौजूद होते हैं। जब भी ये टच किए जाते हैं, ये टच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये फटाफट से फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुलेरा इज द कवरिंग ऑफ। फुलेरा जो है किस चीज की कवरिंग है? ये एक तरह की बहुत ही पतली शीट होती है जो हमारी लंग्स की बाहर की लेयर को रैप करके रखती है, ठीक है। तो ये लंग्स की बाहर की लेयर है, बहुत ही डेलिकेट लेयर होती है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है पूरा एक सैक बोरी सी बना के उसके आसपास रखती है। हमें तभी विजिबल होती है जब भी कोई अब नॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है, तभी ये हमें दिखाई देती है, वरना ये बहुत बारीक होती है, नजर नहीं आती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? मैमल, देखो यहाँ पे वर्ड है मैमल और यहाँ पे पूछा है एग लेइंग मैमल, तो दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में है, तो बहुत से ध्यान से ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने होते। डग बिल्ड प्लेटिपस,
एक कार्टून नेटवर्क पे कार्टून आता था, पेरी एंड प्लेटिपस, दो इसमें जीव दिखाए जाते थे और वो बहुत फनी कार्टून है, वो कुछ कुछ खोज भी उसमें करता रहता है। तो प्लेटिपस उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि प्लेटिपस किस तरह के जानवर होते हैं, ठीक है। तो प्लेटिपस जो है, डक बिल्ड प्लेटिपस जो है, ये एक तरह का सेमी समुद्री जीव है जो कि अपने अंडे देता है मैमल होने के बावजूद। ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ में पाया जाता है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली साइड ये पाया जाता है। ये बहुत कम जानवरों में होता है जो मैमल्स एग दे। ये तो ये ऐसे ऐसे एनिमल्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। खाली डक नहीं बोल सकते, डक जो है मैमल्स की श्रेणी में आपको नहीं रखना, वो एग लेइंग एनिमल है। यहाँ पे एग लेइंग मैमल की बात हो रही है, खाली डक नहीं है, ये है डक बिल्ड प्लेटिपस। द मॉडरेटर यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, जो मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ यूज होता है उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो वो है ऑर्डिनरी पानी, साधारण पानी जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है मॉडरेटर्स में, ओके, मॉडरेटर के रूप में एज अ कूलिंग एजेंट, ठीक है। कूलिंग एजेंट के तहत इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। टर्बाइन, और इसके अलावा वीट हीट रिमूव करने के लिए वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर एक्लिप्स जो है वो कब होता है, सोलर एक्लिप्स हमें बताना है। तो ये होता है जब मून जो है, चंद्रमा जो है, सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है, तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है। एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डाटा लॉजिक इज कॉल्ड, इनपुट आउटपुट का कंट्रोलर ऑफ लॉजिक, डाटा लॉजिक, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है बफरिंग। जब जो आपका डाटा है वो घूम रहा होता है और आप वेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में इसको बफरिंग कहा जाता है। ये इनपुट आउटपुट का वो प्रोसेस है जब डाटा जो है, प्रोग्राम आपका एक डिवाइस से दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस में पास हो रहा होता है। तो ये एक टेम्परेरी स्टेज होती है जो धीरे धीरे, जब तक डाटा आपका ट्रांसफर नहीं होता तब तक वो गोल गोल घूमता रहता है, बाद में सेटल हो जाता है। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर, बायोस जो है वो किसके लिए यहाँ स्टैंड करता है वो आपको बताना है। तो वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस जो होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, ये आपको बताना है। जो डिवाइस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो होता है फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं और इसमें काफ़ी सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि सोलर एनर्जी को, अच्छा अब तो हरियाणा में कंपलसरी भी कर दिया है घरों पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी, यानी अपनी छतों पे उनको सोलर पैनल्स अब कंपलसरी हो चुके हैं। द टाइप ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग की किडनी का नाम आपको बताना है। आप सोचोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ्रॉग की किडनी का हमें क्या लेना देना, लेकिन देखो एग्जाम आपका बहुत क्लोज है तो ऐसे क्वेश्चंस आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कुछ तरह की किडनीज प्रेजेंट है, मेसोनोर्फस नाम की किडनी होती है इनमें, फ्रॉग्स में, जो कि अडल्ट स्टेज तक आते आते यूरिनरी और जेनिटल डक्ट दोनों सिस्टम के काम इनको देती है। अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज, जो घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार है उसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सी पल्सर। आपकी जो बाइक्स वगैरह होती हैं पल्सर, वो नाम यहीं से आया है पल्सर के नाम से, क्योंकि पल्स वो ये जो स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है बहुत तेजी से चलता है, तो वहीं से ये नाम आया है पल्सर। ये जेट स्पीड की तरह से पार्टिकल मूव करता है, बहुत ही लाइट की स्पीड पे से स्ट्रीमिंग इसकी चल रही होती है, मैग्नेटिक पोल्स की तरह, तो बहुत पावरफुल बीम होती है इसकी लाइट की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट ईयर देखते ही इसको लाइट पे मार्क नहीं करके आना है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। आपको पता होगा ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। तो देख सकते हैं आप ये कितनी बड़ी अमाउंट की चीज है डिस्टेंस। द केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP के नाम से जिसको हम कहते हैं ब्रोकन, जब हड्डी टूटती है तो वो कहते हैं फ्रैक्चर हो गया, वो एक पट्टी बांध के दे देते हैं,
वो आपको बताना है कि वो सॉल्यूशन केमिकल जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो कौन सा केमिकल है। तो वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पूरा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और फिर इसमें जब पानी डाला जाता है वो पूरा स्ट्रॉन्गली 150 डिग्री तक हीट किया जाता है और वो हाथ पे चढ़ा दिया जाता है महीने भर के, फिर वो हाथ बंद जाता है। इन आर कंट्री द वन महोत्सव डे इज ऑब्जर्व, और वन महोत्सव डे आपको बताना है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 जुलाई को वन महोत्सव डे जो है वो मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक जोवियल, बिल्कुल ठीक है आपके आंसर्स, और बहुत रेगुलर भी हो जोवियल, आप सुबह की क्लास में भी थे, अभी भी आप यहाँ पे मौजूद हो, वेरी गुड। अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट के साथ जब लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। तो मेडिसिन ऑफ कुनीन इज प्रोवाइडेड बाय, जो कुनीन कुनीन बोलते हैं इसको, ये किसके चिकित्सा के द्वारा प्रदान की जाती है वो आपको बताना है। कहाँ से आती है ये मेडिसिन? तो ये आती है, देखिए ये आती है सिंकोना प्लांट से। सिंकोना प्लांट जो है उसका तना जो होता है, बार्क बोलते हैं, तने से इसको निकाला जाता है। ये एक वाइट क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर सा होता है। मान लीजिए बुखार है किसी को, या कोई भी मलेरिया हो गया है, तो एनाल्जेसिक पेन किलर के रूप में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के रूप में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये है बेनिफिट्स कुनीन के। आगे देखते हैं, अपरेटस यूज टू टेस्ट एसिडिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज, अपरेटस जो तंत्र जलीय समाधान की अम्लता परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपरेटस जो टेस्ट एसिडिटी करने के लिए काम में आते हैं वो आपको बताना है, वो होता है पीएच मीटर। जैसे हम डबकी ऐड का हमेशा डिस्कशन करते हैं इस पे कि एसिडिटी को टेस्ट करने के लिए पीएच मीटर का इस्तेमाल जो किया जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि लिक्विड में कितनी एसिडिटी है उसको नापा जाता है। इसमें एक स्पेशल इलेक्ट्रोड इस तरह से गिवन होता है जिसके अंदर एक मीटर लगा होता है, उस मीटर पे डिस्प्ले हो जाता है कि कितना पीएच आया है किसी भी सिस्टम का। तो 1 से 14 तक इसकी रीडिंग होती है, जहां भी ये रुकता है तो उससे पता चलता है कि एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। द हटी गोल्ड माइंस, द हटी गोल्ड माइंस हैं वो किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में रायचूर नाम के डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है, रायचूर नाम के डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इन माइंस में काफी पुराने टाइम से ये गोल्ड के लिए यहाँ पे माइनिंग हो रही है, इवन प्री अशोकन पीरियड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री अशोकन पीरियड से यहाँ पे इस हटी गोल्ड माइंस में गोल्ड को निकाला जा रहा है। देखो कितना गोल्ड अभी तक जमा हो चुका होगा, अगर जिसकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी तो बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, इंग्लिश एजुकेशन जो है किसके द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो करते हैं पॉलिनेशन से, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, दो तरह की पॉलिनेशन होती है, जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा में जाते हैं। आप हमारे बायोलॉजी के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें ये पॉलिनेशन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बहुत अच्छे से प्लांट बॉडी जो है वो समझाई गई है, किस तरह से एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें मेंशन अच्छा किया हुआ है, आप बायोलॉजी के लेक्चर्स हमारे इस पे देख सकते हैं। विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया, कौन सी नदी है जो सबसे बड़े खेती योग्य क्षेत्र में कार्य करती है, कौन सी ऐसी नदी है? तो इसका आंसर इज ए, गंगा का जो प्लेन है ये सबसे, ए लगभग 8 स्टेट्स हैं इंडिया की जिसको ये कवर करता है, और हमारा 47% जो टोटल इरिगेशन है वो गंगा से ही आता है। इसीलिए गंगा जो है बहुत ही पुराने टाइम से गंगा को बहुत माना जाता है। उसका कारण भी यही है कि गंगा जो है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज इन, जो ओशन का सबसे बिजिएस्ट रूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो है अटलांटिक ओशन में ये सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान,
जो लोग न्यूज़ में देखते हैं, खबरें सुनते हैं, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कौन से प्रेसिडेंट के कौन से पाकिस्तान के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष राष्ट्रपति, तो वो है, देखिए इसका आंसर इज ममनून हुसैन, जो है इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। 30 जुलाई को 2013 में इनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद ये आसिफ अली जरदानी के बाद इनको अपॉइंट किया गया था, आसिफ अली जरदानी के बाद इनको अपॉइंट किया गया है। When did the Soviet Union disintegrate into 15 independent republics? देखो आपको पता है उज्बेकिस्तान, इज़दाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं ये रिसेंटली बनी हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए जो यूएसएसआर था वो किस तरह से 15 नेशंस में जब टूटा तो वो कौन से ईयर में हुआ। तो ये हुआ था 1991 में। आप में से बहुत लोगों की एज ग्रुप जो है इसी टाइम पीरियड में फॉल भी करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पेट्रोनिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया? पेट्रोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया, ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था। ठीक है, ओके पंकज, बताइए आपका डाउट कहाँ है। पंकज उसको बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, हमारी आंखों का जो कलर है वो किसके तहत आता है? तो वो आता है एरीज की वजह से, जो भी ग्रीन, ब्लूइश, ब्लैकिश, ब्राउनिश, जो भी आपकी आइज का कलर आता है वो इसकी वजह से आता है। ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, प्रेसिडेंट पूछा गया था क्वेश्चन में और आप जो आंसर दे रहे हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो प्लीज जो आप क्वेश्चन जब पुट करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि पूछा क्या गया है, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, सी वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाई द प्रोसेस ऑफ, जो सी वाटर है उसको हम किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो डिस्टिलेशन करके सी समुद्री पानी को हम प्योरीफाई कर सकते हैं, नमक जो है उसको अलग कर सकते हैं। इसमें से कौन सी जो है एक वैक्सीन नहीं है, यानी एक टीका नहीं है? बीसीजी, एंटीवायरल, रेबीज, पोलियो वैक्सीन, प्रोजेस्ट्रॉन, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर, व्हाइट फॉस्फोरस जो है उसको हमेशा किसके अंडर रखा जाता है? उसको हमेशा पानी के अंदर रखा, स्टोर किया जाता है, ऐसे डायरेक्टली हवा में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इवेपोरेट बहुत जल्दी होता है और एक आग बहुत जल्दी ये पकड़ लेता है। हाँ जी पंकज, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था। जब आप किसी भी तरीके का डाउट रेज करते हैं तो पहले क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन था क्या। विच ब्रीड ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात की बफेलो की ब्रीड का नाम आपको बताना है, तो वो है सुरती। सुरती जो है बफेलो की वहां की ब्रीड है। आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। आज के लिए लेक्चर इतना ही, कल फिर सेम टाइम आपके साथ 6 o'clock आएंगे। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री का वो 1000 सीरीज का जो अभी लेक्चर शुरू हुआ है 10:30 ऑनवर्ड्स, वो परसों आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।